सो हेलो गाइस, क्या हाल है? इस वीडियो को के स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मैं जगह देखो आइलैंड पे, और ये जो तुम गेम देख रहे हो ना भाई, ये एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है। नहीं, मतलब वेस्टेड तो नहीं है, मतलब वेस्टेड होता तो ये मेरे रिसाइकल बिन में होता, यहाँ नहीं होता। पर देखना, मैं एक बहुत ही सही गेम प्ले को मैं बर्बाद नहीं करता। मेरा मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। हाँ, मेरे को स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। अभी के लिए इस मैच को एंजॉय करो, आखिर में तुम्हें देखना खुद पता चल जाएगा। दोनों दे दे भाई, क्योंकि शॉटगन की जगह एसएलके चला लूंगा, S1A10/7 की जगह, और टोम्पी की जगह AKM चला लूंगा। मिड रेंज क्लोज एंड सब कवर अप हो जाएगा। मैंने देखो सारे वेपन्स ले लिए थे, और अभी बंदे सामने से थोड़ा यहाँ जा चुके थे। देखो सामने शायद तुम्हें दो बंदे दिख गए होंगे, और एक तो लिटरली अपनी पूरी बॉडी रिवील करता है, तो भाई इसको नॉक करना बहुत आसान था। अब मैं देखो यहाँ बीच से नहीं जाता, मैं थोड़ा लेफ्ट जाता हूँ बिल्कुल ओपन से। हाँ, ओपन में जाने का खतरा होता है, लेकिन ओपन में जाने का एक फायदा ये भी होता है कि तुम्हें दिख जाएगा सामने है कोई या फिर नहीं। अब यहाँ पर देखो बस एक कवर है, ये जो दीवार सी है ना, और यहाँ पे मुश्किल ही कोई होता है, क्योंकि भाई बंदे रिवाइव करने अगर टीममेट कॉल। वहाँ बीच से जाता ना तो भाई इतनी सारी चीज़ें थी वहाँ पे, कोई ना कोई जरूर टीपी पे ले रखा होता, तो यहाँ से आना फायदेमंद था। वैसे फायदा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, मैं किसी को नॉक कर पाया ना कुछ, बट हाँ ये कि नुकसान नहीं हुआ वो भी बढ़िया चीज़ है, कोई डैमेज हमको नहीं दे पाया। कैंसिल करते, और इसको रिवाइव करने नहीं आया, इतना बढ़िया मौका था भाई। तुम्हें याद हो कि हेलो आउटफिट में बंदा देखा था भाई मैंने यहाँ पे, वो ब्रदर क्या ही स्ट्रैटेजी अपना ही बंदे ने, घूम के गया वो ओपन से। कहा मैं ओपन की बात कर रहा था, ले भाई ओपन में ही आके मारेंगे तेरे को। बहुत सही यार, सही खेल गया बंदा, लेकिन क्या क्या फायदा, अपने टीममेट को तो नहीं बचा पाया ना। और वो ऑलमोस्ट पहुंच चुका है एंट्री पे, और तभी के तभी मैं रिवाइव हो जाता हूँ। एक और टीममेट को अपने मुंह के सामने मरता देखा बंदे ने, वो स्ट्रैटेजी के कुछ भी काम नहीं आई। दो बंदा है? हाँ यप, दो बंदे अभी भी, क्योंकि पूरी टीम आई थी, मेरे को अच्छी तरह याद है। अब मैं अपन की फुटस्टेप्स रीड कर रहा था, क्योंकि एक गलती और तुम देख सकते हो मैं कितनी गोलियों का हूँ यार। एक और स्मार्ट किल भाई, ये मेरी किस्मत थी जो बंदे बार बार मेरे रडार में आ रहे हैं, मतलब मेरे फ्रेम में, नहीं तो देखो मैं कितनी दूर आ चुका था। फिर भी किल मुझे मिल गया, बस इसका किल और मिल जाए यार, क्योंकि ये थोड़ा सही प्लेयर लग रहा है इन तीनों के बीच में। वैसे इसके सामने मैंने इसके तीनों टीममेट्स को मार दिया भाई, थोड़ा बहुत तो खून जल रहा होगा, और नहीं जल रहा होगा तो इसके टीममेट जला रहे होंगे इसके, कि भाई हमें नहीं पता, मार उस बंदे को, इसने तेरे सामने हमको खत्म करा है। वैसे यार बंदा सही है, मेरे टीममेट को अभी तक कुछ करा नहीं इसने। क्यों बोला मैंने ऐसा, जाते जाते भी टीममेट को मार ही गया। मेरे ख्याल से इसने इंटेंशनली नहीं मारा, क्योंकि मैं अपने टीममेट के बहुत पास था, तो मेरे पे शूट कर रहा होगा ये, और एम असिस्ट की वजह से इसका एम जो है मेरे टीममेट की तरफ डाइवर्ट हो गया होगा। चलो भाई, टीममेट मरते मरते मेरे को बचा गया, क्योंकि मेरी हेल्थ इतनी थी कि मैं बस दो तीन गोली का ही था। वेल, इनका क्रेट वगैरह लूट के मैं यहाँ से बोट लेता हूँ, गाड़ी पकड़ूंगा ऑफ कोर्स यहाँ से। अरे पकड़ ले, भाग रहा चोर, पर गाड़ी कोई और ही पकड़ चुका है। और अब उनको मैं पकड़ दूं, सामने एक और इस बंदे ने तो बस वॉक करके दिखाई, मतलब कुछ शूट करा था उसने, इतने में मैंने नॉक कर दिया उसको। एक और बहुत ही बढ़िया स्प्रे, और उसका एक टीममेट भी था ना यार, याद हो बग्गी, जो बग्गी चला रहा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके पास बढ़िया मौका था, वो चाहता तो निकल सकता था, पर नहीं, वो देखो बग्गी उसने उस घर के पास रोक रखी है, तो यही मतलब है वो पक्का उस घर के अंदर ही होगा। बेवकूफ तो नहीं भाई, पीछे नदी में पहुंच जाएगा। क्या वो बेवकूफ है सच में, क्योंकि लगता है नहीं 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 भाई, ऊपर है बंदा, इस कॉर्नर पे है। तो मैंने ग्रेनेड टॉस करा, और जरा सुन ना गौर से, पता नहीं लेकिन इतना पता ही आगे की तरफ चला गया, और मेरा ग्रेनेड पीछे। शेट भाई, एसएलके की थी बंदे के पास, मैंने देख लिया, जस्ट एक सेकंड के लिए बाहर आया, पर मैंने बताया ना बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से गन को उसने पकड़ रखा था उससे पता चल जाता है कि कौन सी गन है। तो बस फिर एसएलके निकाल, बस निकल ही गई समझो मित्र। अब ये बंदा देखो राइट साइड आया, और मेरे को पता था कूदेगा भाई, कनेक्शन थी। अभी मैंने इसलिए प्रेडिक्ट करा क्योंकि देखो बंदा एकदम से खिड़की पे आया, और फिर एकदम से शांति होगी, और जब भी बंदा जंप करके आता है तो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता है, और जब वो एकदम से नीचे कूदता है तब थोड़ी आवाज़ आती है, तो मैं समझ चुका था। वेल, मैं लेता हूँ यार गाड़ी, जोन की तरफ मेरे को जाना था, और तभी मेरे सामने से एक यूएस आती दिखी है, और सिर्फ यूएस ही नहीं, साइड से एक डाशे भी आ चुकी थी। अब वो यूएस तो आगे निकल गई, मुझे लगा एक दूसरे से लड़ेंगे, पर सारी एक ही टीम के भाई, मैं गलत फंस गया लग रहा है। आई थिंक सो, ये एक ही टीम के बंदे हैं, दो एक में नवाबी शो के अलग अलग गाड़ी में बैठेंगे भाई, अजीब बंदे हैं। अब यहाँ पर देखना मैं क्या बचने वाला हूँ। यूएसआई देखो
बिल्कुल देखा भाई, मेरे को सुन रहा था कानों में, पीछे मेरे यूएस आ रही है लिटरली। मैं कूदना चाह रहा था कि कुछ करके दरवाजे के अंदर चला जाऊं, और मैं लकीली पहुंच गया। फ्रीडम तो मिल गया एस्ट्रल के चलाने का, बट यार ये बंदे काफी चिपके चिपके चल रहे हैं। तो एक को मैंने एस्ट्रल के से मार भी दिया तो दूसरा इतने में मार देगा, बट अब ऐसा नहीं, अब ये थोड़ा बट चुके हैं। देखो बाहर की तरफ, ये बंदा स्मार्ट था, ये बाहर की तरफ इसलिए गया देखने के लिए कि कौन से कमरे में मैं छुपा पड़ा हूँ। और भाई कोई तो ऊपर टिको, अब सारे नीचे जा चुके हैं, इनको लगा मैं नीचे ग्राउंड पे कैंप कर रहा हूँ। आई एम थैनोस, तो आई एम आयरन मैन, नॉक करा मैंने उसको और फर्स्ट एड लगाई मैंने फटाक से। और यहाँ यहाँ ही बंदा है, इसको नॉक करके मैंने फिनिश कर दिया, फिर भी कोई बंदा हिला है नहीं, इसका मतलब समझ गए ना तुम। चल रहा है रिवाइव, बिल्कुल रिवाइव चल रहा है। अबे यार एक टीममेट के इतना क्या बायस्ड होना, दूसरे टीममेट के लिए तुम लिटरली कदम भी नहीं अपने तुमने फैलाए। इन्हें शायद पता था कि एस्टल क्या है, तो मैं छोड़ने तो वाला नहीं, किसी एक को तो मरना ही है, तो उसने उसी एक को बचा लिया। लेकिन टेंशन नॉट, हर कोई मरेगा भाई, मैं ही ना मर जाऊं। गलत क्या कर रहा है साहिल भाई, देखो मैंने बताया ना एस्टल के एक बार इंबैलेंस हो जाती है ना, दूध वाला। ओ भाई लगता है इसको जोन खा गया जितना मेरे को लगता है, लेकिन मेरे को गेम खेलते हुए तो लगा कि साइड से भी एक बंदा स्कारल चला रहा था ना, उसने शायद नॉक कर दिया, और वो देखो सामने मुझे स्पॉट हो चुका है। कैसे घूर रहा है भाई, स्नाइपर तो नहीं इसके पास? अरे कहां कहां मार रहा तू? अरे भाई साहिल, अरे भाई साहब, थैनोस की दूसरी बार चुटकी बजाई मैंने, सोच सकते हो तुम भाई। मैं बता रहा अपना नाम जाके चेंज कर लिया यार, सही में सूट नहीं कर रहा है। वैसे 16-11 का स्कोर हो चुका था भाई, क्या ही किल्स निकले यहाँ पे, गाड़ी का देखो भंडार हो रखा है। चलो मैं एक अपनी यूएस उठा लेता हूँ, और मतलब चूज करना पड़ा मेरे को कौन सी गाड़ी लूँ, इतनी अमीरी हो चुकी थी इस टाइम पे। यूएस लेके मैं देखो यहाँ पे आ जाता, थोड़ा ईजिस्टिक वाले एरिया, मतलब ई स्पोर्ट वाले एरिया कुछ भी कह लो, मैं इस घर के पास रुकता हूँ थोड़ा बहुत लूट करने के लिए हल्की फुल्की, और फिर मैं ये यूएस लेने जाता हूँ। लेकिन तभी मेरी लेफ्ट साइड नजर जाती है पत्थर के पास, इससे सब सही था, सही टाइम मैंने देख लिया, नहीं तो मैं यूएस में बैठता। सोच देखो एक बंदा गाड़ी में बैठा है, उसको मारना कितना ज्यादा आसान रहता है भाई, और बंदा पास भी था, बिल्कुल मक्खन स्प्रे जाता। तो मैंने गाड़ी पे स्मोक कर लिया कुछ करके, मतलब गाड़ी तो मैं निकाल ही सकता, बट स्टिल वो भी रिस्की होगा, मे बी उसने पहले से एम करके रखा हो। कहा था ना मैंने, देखो स्मोक फेंका है तब इतना डैमेज दिया है, स्मोक नहीं फेंका होता ना 200% गारंटेड मेरी मौत थी भाई यहाँ पे। बैंडेजेस में थोड़ी फाड़ता हूँ, और अभी तक मुझे लगा था सिर्फ एक बंदा है, राइट। अब जरा देखो अपनी फट जाती यार, बता रहा हूँ, एक इस पत्थर पे, एक पीछे वाले पत्थर पे, और यहाँ लेफ्ट में स्मोक भी हो रखा है, मे बी वहां भी कोई हो तो यार मैं बिल्कुल अनसेफ उस टाइम पे। एंड हाँ जोन भी आ चुका है, तो भाई स्मार्ट यही रहेगा, एक स्मार्ट स्टेप यही रहेगा, मेरे को यहाँ से निकल लेना चाहिए। अब सामने से भी देखो गनशॉट्स की आवाज़ आती है, तो मैंने सोचा भाई जोन का थोड़ा आउटर एरिया वहीं पे चला जाता, देखो एक डाशिया भी थी वहाँ पर। अब यहाँ से एक ही बंदे ने गोली चलाई, तो मैंने सोचा ठीक है चल के देख लेते हैं, पर भाई तीन बंदे, और तीन भी नहीं भाई पूरे चार बंदे थे, एक बंदा चौथा कोने में छुप रखा था, वो भी भागा भागा आ रहा था साथ में। देखो डर इन चार बंदे को इतना नहीं था, लेकिन चार बंदे ओपन में थे, देखा जोन बिल्कुल एक तरह से ओपन बना हुआ था, तो भाई हो गया सीन क्रिएट। इस वाले मैच में मैं फैक्ट्री में, और मेरे साथ काफी सारे बंदे आए हैं, देखो जस्ट अभी बंदे उतरे हैं, गन मिल गई शायद उसे, लेकिन बंदा ऊपर की तरफ भाग जाता, कोई बात नहीं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी ये बंदे मेरे को दिख रहे हैं, और शायद ये ओपोनेंट्स हैं। यप तो थर्ड पार्टी करी मैंने, बढ़िया। अबे भाई ठग लाइफ, बेचारा एस्टल के वाला इतना चौड़ में आया इसको मारने के लिए, लेकिन एक एक सिंपल सी शॉटगन वाला बंदा दोनों को खत्म कर गया यार, और सबके पास शॉटगन थी, इसके पास एस्टल के, एक पास S1897, और मेरे पास तो देख रहे हो। यहाँ से मैंने डीपी उठा लिया, क्योंकि दो शॉटगन चलाता हुआ भाई मैं, मेरे पे सूट नहीं करेगा, और एक बंदे ने मेरे टीममेट को पैन से मार दिया लिटरली। और वही सेम चीज़ें मेरे पे ट्राई करने वाला था वो भाई, सामने जस्ट दो बंदे रिवाइव हुए, बढ़िया मौका था मेरे पास, पर कोई बात नहीं, अब दोनों को उस तरफ से देखो एक बंदा मिनी 14 चलाता है, उस तरफ से शायद समझ गए होंगे। हाँ यार जहाँ से अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, कैंप पर ऊपर लटका पड़ा था, उसे पता था मैं आऊँगा, लेकिन मैं एक्सपीरियंस प्लेयर ठहरा तो मैं नहीं जाता वैसे।
एक्चुअली मैं जाता पर जाने का मौका नहीं दिया ना उसने, वो तो वहीं से लगा पड़ा है। अब कुछ देर हो चुकी थी 15-20 सेकंड, मुझे लगा वो शायद नहीं आएंगे तो निकलता हूँ मैं यहाँ से, पर अब देखना फुटस्टेप्स आते हैं, वो बंदे खुद इस तरफ आ रहे हैं। ये हुई ना भाई, ये हुई अच्छे प्लेयर्स वाली बात। अच्छो राइट पकड़ा कर के ना के बराबर डैमेज किया बंदे को। अब एक बंदा तो देखो नीचे फैक्ट्री में आ चुका है, लेकिन इसकी मच रही थी चुल, तो भाई करा लड़के को मैंने नॉक। अब जरूर इसका टीममेट बाहर की तरफ जाएगा। यप, ये हुई ना बात, देखा कितना आसानी से इसके टीममेट को मैंने बाहर निकाल दिया। बहुत ही बढ़िया, ऑसम, एक ही जगह दोनों बंदों की पेटी बनेगी। चलो मेरी बैंडेजेस भी, 80% हेल्थ बहुत है भाई, बहुत बार 1 HP क्लच करें तो यार 80% मोर देन एनफ। एक बंदा नीचे की तरफ फॉर्म में लग रहा है भाई, एस्टुल के बजा रहा है बंदा, तो मैं सीधा तो जाऊंगा नहीं, ट्राई करूंगा इन घरों से शूट करने का। मैं इसी घर में देखो बस लूट कर रहा था थोड़ा बहुत, और देखना ये बंदे अब ऊपर की तरफ आ चुके थे। ब्रूटल कहां से एस्टुल के चला रहा था आरामखोर। ये तो अच्छा लगा मुझे कि हाँ बंदे खुद मेरे पे रश करना आ रहे, मेरे को पसंद है वो चीज भाई, फाइट हुई सामने से। लेकिन ये क्या था भाई, ये क्या बोलूं भाई, वर्ड्स नहीं मेरे पास। 40 गोली खा गया बंदा, डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ, इतने में उसका टीममेट पीछे से कवर दे गया, दिमाग का भरोसा हो गया। खैर जो भी हो, अभी तुम थोड़ा चिल हो जाओ क्योंकि अभी मैं तुम्हें एक बोनस क्लिप दिखा रहा हूँ, और ये क्लिप सच में बहुत अमेजिंग है। मतलब देखना क्या गलत सीन होता है मेरे साथ, मैं तुम्हें सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यूएसडी भाई मेरा टीममेट देखो मेरे लिए गड्डी लेके आया, मैं उस गड्डी में बैठा और फिर हम निकलने वाले थे कहीं पे बंदे ढूंढने के लिए, लेकिन बंदे सामने से ही आ जाते हैं। आवाज से चलती है आरपीजी, तो मेरा यही प्लान था कि कुछ करके ना मैं इस घर के चार और गाड़ी घुमा दूं, किसी एक को नॉक कर दूं। वैसे अगर तुमने नोटिस करा हो तो मेरे पीछे एक बग्गी भी थी। अब देखना अब होते हैं सीन। फिर तो रहने दे। भाई चोर। शिट यार फंस गया मैं, अगेन फंस गया भाई, गलत आरपीजी वाला बंदा पीछे। आरपीजी वाले से तो बच गया भाई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बग्गी वाले को अकेले में निपटा देते, क्या दिक्कत है। मतलब जो होना है भाई वो होकर रहेगा, मरना मेरे को ऐसे किसी ब्लास्ट से ही था बिल्कुल, एक तरह से आरपीजी से ऐसी मौत होती है जैसे रेड जोन से मरते हैं ना, अगर रेड जोन नहीं तो पक्का ग्रेड से मरता, लेकिन मरता मैं ऐसे किसी ब्लास्ट से ही। वाह भाई, जो भी होने करते कुछ होने, होप सो तुम्हें आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी, जरा सा भी मजा आया तो बताना मेरे से जरा सब्सक्राइब, क्या बोल के मैं सब्सक्राइब करके, चाहो तो तुम कमेंट कर सकते हो कुछ भी ऑसम पार्ट तुम्हें लगा हो, लाइक कर देना वीडियो को, और मैं मिलता हूँ कल, बाय।